नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी आप लोगों के समक्ष गांव समा गांव शहर और राजनीति एपिसोड में, इस एपिसोड में हम गांव के जो समस्याएं और शहरों की समस्या, राजनीति समस्या आदि को लेकर आते हैं। लेकिन आज इसमें हम एक पेचीदा एपिसोड को लेकर आए हैं जिसमें हमारे गांव की समस्या है। और कहते हैं कि जब कोई समस्या आती है तो वो राजनीति बन जाता है, और राजनीति में ही दोनों उलझ गए हैं, दोनों राजनीति में फंस गए हैं। जब हमने इसका निर्णय निकालना चाहा, ग्राउंड लेवल पर हमने पूरी प्रक्रिया को छानबीन किया, तो दोनों राजनीति के शिकार हो चुके हैं। अब जो राजनीति के शिकार होने के बाद क्या होते हैं कि दोनों भाई जो अपने बंधु एक गाँव के है, दोनों दुश्मन बन चुके हैं। अब ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे साथ बीच में राजनीति भी हो रही है। तो चलिए, यहाँ तक का हमारा एक एक बताना भी जरूरी है। आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि किन्नौर में कंपनी आए तो कंपनी से फायदा ले। कहानी ऐसी है, दोनों युवा जो है तांगलिंग के हैं, दोनों ही पटेल कंपनी से फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन एक ने फायदा जो है 6 साल से लिया है, और बतौर जो है अब जो है ग्राम पंचायत के द्वारा उसे जो है जो 6 साल से ले रहे हैं उनको जो है एक नोटिस भी भेजा है कि आप मेस खाली कर दिया जाए। मेस की बात है, ये कंटीन है, और कंपनी के द्वारा भी ये जो है ज्ञापन है और उनको खाली करने का गया है। और ये मसला आगे से आगे बढ़ता गया और राजनीति इशू बन गया। लेकिन ये दोनों इसमें पीस गए, और आखिरी रिजल्ट निकला गया दोनों को जब जब देखा कि कंपनी के अधिकारियों ने कि राजनीति बन रहा है, तो दोनों को एक निष्कर्ष निकाला गया, बड़ी मैस को बंद कर दिया जाए और दोनों को छोटा मैस दिया जाए। लेकिन इस पर जो है दोनों सहमति नहीं है, और जो पुराने जो मैस का कार्यकर्ता है वो छोड़ने को राजी नहीं है, और नए मैस वाले चाहते हैं, जो जिनको मिला है वो पुराना ही मैस चाहते हैं। इसी पर ही आज एक संवाद चलेगा, और संवाद संयम से चलेगा, और इसमें हमारे तांगलिंग गांव से हमारे जिनको अभी वर्तमान में मैस मिला है, उदय उदय सिंह जी और जो राम प्रकाश जी जो चला रहे थे वो भी है, दोनों ही हमारे आज इस एपिसोड में जुड़े हैं। और इस एपिसोड के निर्णायक मंडल श्री रमेश नेगी, जो स्वयं से भी है भारतीय मानव अधिकार के, हम उनको इसलिए जोड़ते हैं वो भारतीय मानव अधिकार के स्वयं से भी है, और साथ में वो अधिवक्ता भी है, कानून की प्रक्रिया को जानते भी है, तो उनका अभी उनको रखा है। और इस एपिसोड को चलाने से पहले हमने इसका विषय रखा मेरी सुनो, और इस एपिसोड को चलाने से पहले हमने विशेष तौर से एक नोटिस रखा है कि किसी व्यक्ति विशेष और गांव समाज को ठेस पहुंचाना हमारा नहीं है, बल्कि उपस्थित अतिथि की बातों को सुनकर उसे सही निर्णय देना हमारा मकसद रहता है। तो आप लोग इस पेज से जुड़े हैं, और आप लोग अपनी राय भी रखें कि दोनों परिस्थितियों में दोनों हमारे किन्नौर के हैं, दोनों जो है कंपनियों से फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन एक ने पूरे 6-7 साल लिया है और एक अब जो है लेना चाह रहे हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम हमारे आज के अतिथि आदरणीय रमेश जी को मंच पर बुलाएंगे। रमेश सर, आपका स्वागत है पुनः आपका। हम इस प्रकार के समस्याओं से जब भी जूझते तो आपको याद करते हैं। आपकी आवाज माइक ऑफ है सर, शायद। नमस्ते राम भगत जी और किन्नौर अब तक पेज के सभी व्यूअर्स, भविष्य में वर्तमान में दिख रहे हैं या बाद में दिखेंगे, सभी को हम नमस्ते करते हैं। राम भगत जी, हम पुनः धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमें एक बार और फिर मौका दिया कि आपके पेज पर आए और अपनी बातों को रखे। हम धन्यवाद करते हैं आपका। थैंक यू। जी महोदय, आपको मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। उससे पहले फिर एक और एक वीडियो यहाँ पर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जो हमारे आदरणीय जो उदय सिंह जी जब जब उस मैस को खाली नहीं कर रहे थे तो कैसे मीडिया के पास गए। तो मीडिया वाली बातों को भी समझना जरूरी है। अतिथि महोदय, आपको वीडियो एक बार दिखाते हैं, उसके बाद हम जो है एक एक करके दोनों अतिथियों को बुलाएंगे आपके समक्ष। उदय सिंह है, मैं ग्राम पंचायत भोपाली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे साथ एक मामला अभी सामने आया है जनाब ना, कि भी ग्राम पंचायत पुआरी के अंतर्गत जो पटेल इंजीनियरिंग कंपनी ने जो तंगलिंग में लेबर कॉलोनी बनाया है उसमें एक बहुत बड़ा मैस रखा हुआ है लेबर के लिए। तो
तो ये 2015 और 16 के बीच में जो हमारे एक राम प्रकाश जी उपप्रधान थे, तो इन्होंने इंटरनली जो है ये मैस खुद ले लिया, जबकि एक प्रधान होते हुए उस मैस को वो नहीं चला सकते थे, नहीं ले सकते थे। एज पर रूल जो है ना, कोई भी प्रधान किसी भी काम को नहीं कर सकता। वो गांव के प्रति, गांव में जो भी मतलब युवा होते या एमपीएफ या पीएफ के जो भी लड़के होते उनको वो दे सकता था, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने अंदरूनी दबाव डाल करके ये जो मैस है ना जी पटेल से खुद ले लिया, वो आज तक भी खुद ही चला रहे हैं। तो इस मामले के अंतर्गत जब अभी जब पंचायत के दोबारा इलेक्शन हुए, नए प्रधान बैठे, हमारे माननीय प्रधान जी है भूपेंद्र जी, उनको एक ज्ञापन दिया गया कि भी ये जो पटेल कंपनी में जो मैस है उसको क्या बोलते हैं, जो कई सालों से एक ही व्यक्ति के पास दिया गया है, आप उसे जो है दोबारा से मतलब पटेल को लिखें कि भी ये एमपीएफ और पीएफ के लड़कों को दिया जाए। तो प्रधान जी ने क्या है कि भी पटेल को एक चिट्ठी निकाला कि भी ये जो है एमपीएफ और पीएफ के लड़के इच्छुक हैं भाई, जो आप या तो इनको दे, मैं यहाँ से रिकमेंड करके भेजता हूँ। तो पटेल ने एक चिट्ठी निकाला क्या बोलते हैं राम प्रकाश जी को कि भाई आप जो है 30 दिन के अंदर अंदर ग्राम सभा से या तो आप ये इसका निवारण करें या तो आप इस मैस को छोड़ दें। तो उसके बाद राम प्रकाश जब पंचायत में आया तो उसने यही बात रखा था कि मैं ये कैंटीन नहीं छोड़ूंगा। तो प्रधान जी ने कहा कि भाई आपको छोड़ना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो गया, वैसे भी आप जो है प्रधान रह चुके हैं, प्रधान के टाइम पर आपने मैस लिया है। तो इसके पश्चात फिर दोबारा पटेल को चिट्ठी लिखा गया प्रधान द्वारा कि भाई आप इसका क्या निवारण करेंगे। तभी पटेल ने एक और चिट्ठी लिखा ग्राम पंचायत पुआरी के नाम कि मैं ये मैस आपको सौंपता हूँ और एमपीएफ और पीएफ के जितने भी लड़के हैं उनमें से आप चूज करके आप हमारे को एक लड़का दीजिए, मैं ये मैस। इस तरह का चिट्ठी पंचायत में पहुंचा तो प्रधान जी ने एक और नोटिस निकाला 7/6/2022 को कि भाई ग्राम पंचायत पुआरी के सभी एमपीएफ और पीएफ या ग्रामवासी कोई भी अगर लेबर कॉलोनी में जो मैस को चलाने के इच्छुक है तो वो मुझे आवेदन दे। और उसका लास्ट टाइम था 9/6/2022 तक का, 10 बजे तक का टाइम दिया था उन्होंने। तब उसी दिन 9/6/2022 को केवल पंचायत में दो ही आवेदन आए थे, एक वेद प्रकाश का और एक उदय सिंह का। तो उसमें ये फैसला लिया गया कि दोनों जो आवेदन आए थे दोनों मतलब कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे कि भी कौन इस मैस को चलाएगा। तभी पंचायत का फैसला आया कि भाई दोनों में से एक पर्ची चुना जाएगा, दोनों के नाम लिखे जाएंगे पर्ची में और उस पर्ची में से एक नाम लिया, एक पर्ची को चुनेंगे जिससे कि भाई जिसका नाम आएगा उसको वो मैच देंगे। क्या दोनों सेटिस्फाई है, इस तरह का वार्तालाप हुआ था। तो दोनों आवेदक उस पर जो है ना सेटिस्फाई हुए और पंचायत में दो पर्ची डाला गया जिसको पूरे पंचायत में आपके वार्ड मेंबर्स भी मौजूद थे और आवेदन जो दूसरा वेद प्रकाश जी ने किया था उनके वाइफ भी वार्ड नंबर 2 की मेंबर है, वो भी वहां पे मौजूद थी, तो वो भी सहमत थे। तो उसमें से पर्ची जब सेक्रेटरी साहिबा ने उठाया तो उसमें से मेरा नाम निकला जो उदय सिंह के नाम से था। तभी प्रधान जी ने अपने लेटर पैड पे लिख करके मुझे भी दिया और पटेल इंजीनियरिंग को भी वो ज्ञापन भेजा कि भाई ये जो मैस है उदय सिंह को सौंप दे। इसके पश्चात पटेल इंजीनियरिंग ने राम प्रकाश को एक 7 दिन का शॉर्ट नोटिस दिया कि भी आप 7 दिनों के अंदर अंदर इसको खाली करें और जो है मैस जो है उदय सिंह को सौंप दे। इसके पश्चात प्रधान जी और मैं भी गए उस मैस में कि भी खाली करवाने के लिए। तभी वहाँ पे राम प्रकाश जी ने हमारे से 10 दिन का टाइम लिया कि भी हम 10 तारीख तक का टाइम दो, 11 को हम खाली करेंगे। तो ये जो है वर्बली वार्तालाप हुआ था। इसके पश्चात बीच में फिर दोबारा उसने इनकार कर दिया तो मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा था कि भी इस मैस को खाली करने के लिए आप जो है ना राम प्रकाश को बोले। तो एसडीएम साहब ने स्टार्टिंग से इसकी छानबीन की, पंचायत से भी छानबीन की और क्या बोलते हैं एचपीपीसीएल रिकांगपियो को चिट्ठी लिखा सबसे पहले कि भी आप इसकी छानबीन करें और मुझे इस क्लियर कर दिया कि भी उस चिट्ठी का जवाब दिया कि भी ये मैस जो है ठीक है उदय सिंह को मिला है पर वो राम प्रकाश जो है हमारे कहने पर भी मैस को खाली नहीं कर रहा है। अतः मोहित जी आपसे विनम्र निवेदन है कि मैस को खाली करने में आप जो भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाए वो कर सकते हैं। इस तरह का ज्ञापन कुछ ये डीजीएम आरएनडीआर ने आपके एसडीएम साहब को दोबारा चिट्ठी का जवाब दिया। इसके पश्चात पटेल को लिखा कि भी ये किसके जमीन पे है, खसरा नंबर क्या है, तो पटेल ने भी इसका जवाब दिया। इसके उपरांत एसडीएम साहब ने एसएचओ रिकांगपियो को चिट्ठी लिखा कि भी आप इस संदर्भ में जाएं। अब पिछले कल उसी मैस के लिए तंगलिंग में ये एसआई साहब आए थे
और पटेल इंजीनियरिंग से एक संजय सिंह नाम के अफसर थे, पता नहीं डेजिग्नेशन तो क्या होगा, और प्रधान जी भी मौजूद थे। उन्होंने एक बीच का रास्ता के लिए एक ऐसा कहा कि आप दोनों के विवादों को रोकने के लिए बीच का रास्ता निकालता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मैं इस मैस को ताला लगा देता हूँ बड़े वाले को, और आपको दोनों दो छोटा मैस देता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं इस बात से कतई भी सहमत नहीं हूँ कि भी एक आदमी को आप 5-6 साल चलाने के बावजूद भी दूसरा मैस दे रहे हैं। आज पंचायत ने मुझे 2 साल के लिए यहाँ पे मैस देने को कहा है। 2 साल बाद अगर कोई तीसरा आदमी आएगा तो मेरे को आप कहाँ एडजस्ट करेंगे, और उसके 2 साल बाद फिर कोई चौथा आएगा तो उसको आप कहाँ एडजस्ट करेंगे, कितने मैस खोलेंगे? या तो आप 28 के 28 लड़कों को मैस दो, बना के दो वहाँ पे। अब मेरा मुद्दा ये है कि भाई पटेल ने तो ये कह दिया कि भाई उदय सिंह को दो, पंचायत ने भी दे दिया कि भाई उदय सिंह को दो, HPPCL ने भी लिख दिया। अब मुझे ये खाली करके कौन देगा जनाब? मैं प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ, ये क्या बोलते हैं न्यूज़ के माध्यम से, कि भी अगर मैस देगा तो मुझे कौन देगा, कैसे खाली होगा और कौन देगा? और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या एक प्रधान होते हुए भी क्या उस मैस को ले सकता है या चला सकता है? उसने अपना टाइम तो निकाल दिया। मैं अब यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी वो मैस जल्द से जल्द छोड़ दे, और 2-2 साल के लिए हमारे जो गाँव में जो MPF PF के लड़के उनको मिलता रहे। तो महोदय जी, आपने सुना मैस कैसे खाली होगा, कौन करेगा, और 2 साल के लिए जो MPF और PF के लड़कों को दिया जाए, ये एक इस प्रकार का गंभीर विषय किन्नौर के अंदर में तैयार हो गया। और दूसरी बात, ये सोचने वाली बात है, जिस पद पर, जिस एक पंचायत के गरिमा वाले पद में रहा है, उसमें संयम भी नहीं है, 5 साल चलाया है और अभी भी वो डटे हुए। तो इस पर हम अधिक जानकारी लेने से पहले पहले हम अतिथियों को बुलाते हैं, हम उदय सिंह को बुलाते हैं। उदय जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे किन्नौर पेज में। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आपने इस पेज में मेरे को बुलाया, आपका बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। रामकृष्ण भी जुड़े थे, रामकृष्ण जी अभी लेफ्ट हुए हैं, शायद तकनीकी दिक्कत होगी। तो रमेश सर, आपको पूछने से पहले इन्हीं से मैं सवाल रखता हूं। आप 2-2 साल के लिए मांग रहे हैं और इन्होंने 6 साल चलाया, क्या ये 6 साल इनका जो है टेंडर प्रक्रिया के दौरान था, कि कैसा इनको 6 साल मिला था? क्या कंपनी ने टेंडर किया था कि 6 साल के लिए? नहीं सर, इसको क्या है कि भी कोई टेंडर नहीं हुआ इसका, इस मैस को चलाने के लिए मैं भी आवेदन करना चाहता था, पर जो राम प्रकाश जी है वो वाइस प्रधान थे, उप प्रधान थे उसी टाइम, तो इन्होंने क्या किया कि भी पटेल को चाहिए था प्रधान, अगर पटेल को अपना काम चलाना था तो उसको चाहिए था प्रधान, ठीक है ना जी। और जब मैं आवेदन करने गया तो उन्होंने सीधा क्लियर मना कर दिया कि ये जो मैस है मैंने प्रधान को दे दिया है, कहानी खत्म हो गया। उस टाइम हम कुछ भी नहीं कर पाए जनाब, और प्रधान ने जैसा कैसा करके 6 साल से ऊपर हो गए जनाब, इसको चलाते चलाते आज 6 साल से ऊपर 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 हो गए, और ये जो है ना इसको रेगुलरली चला रहे हैं। अब बात आई कि भी ये पंचायत के पोस्ट पे बैठे हुए थे, पावर इनके पास था ना, तो हम पंचायत में कुछ बोल सकते थे? पंचायत में 2-3 बार मैंने आवाज भी उठाया इस मामले में कि भी ये ऐसा नहीं होता कि भी पंचायत वाले कोई भी काम नहीं ले सकते, पर उस टाइम क्या है कि मेरी आवाज को दबा दी। अब क्या हुआ कि भी नई पंचायत का चूज हुआ, नए प्रधान बैठे, तो मैंने वहां पे आवाज उठाया, तो प्रधान को ये बात समझ में आई भूपेंद्र जी को, उन्होंने तुरंत चिट्ठी निकाला पटेल को, तो पटेल ने इनको 30 दिन का जब टाइम दिया, या तो आप इसका पंचायत में निपटारा करके आओ या तो मुझे जो है ना ये मैस खाली करवाओ। तो इस तरह करते करते विवाद करते करते एक और चिट्ठी निकाला पटेल को कि आपने इसका निवारण क्या किया, तो पटेल ने बोला देखो प्रधान जी हम ये जो मैस है आपको सौंप देते हैं, आप जिसको भी दोगे MPF और PF परिवार में से जिसको भी चूज करके दोगे मैं उसको मैस दूंगा। जी, तो आपको इस रोकता तरह हूँ, उन्हें, हाँ जी आपको रोकता हूँ। हमारे अतिथि रामकृष्ण भी जुड़े हैं ताकि वो भी लाइव आपकी बातों को सुनेंगे। जी सर, रामकृष्ण जी, आपका स्वागत है हमारे पेज में, आपको आवाज आ रही है हमारी? नमस्कार सर जी। नमस्कार, आपको हमारी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है जी, बिल्कुल जी।
आप खुलकर बोल सकते हैं, आज आप प्रधान नहीं हो, गांव के ही आदमी हो, आप हो, आप एक आपके बीच में पूरी जनता बैठी है, तो आप इसे ही सही बिल्कुल निर्णय बिल्कुल को समझेंगे। तो रामकृष्ण जी अपनी बिल्कुल सर, बातों को रखें, आपके रामकृष्ण सर आपके साथ आपके आपसे बात आपसे पहला मैं उदय सिंह से जानना चाहूंगा। उदय सिंह जी, बिल्कुल 2 साल में आप संतुष्टि मान रहे हैं, 2 साल में मैंने मैस चलाना है, या 2 साल में आपकी मैस की भरपाई नहीं हो पाएगी, और 6 साल से रामकृष्ण जो है मैस चला रहा है, उनकी लायबिलिटी बढ़ गई है, और 2 साल में आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो आप भी मैस नहीं छोड़ेंगे, आप उसको कैसे पूरा करेंगे? नहीं जनाब, देखो लाइबिलिटी वाली बात पटेल इंजीनियरिंग ने पहले ही क्लियर कर दिया। इसमें जो भी आपका लेना देना होगा उसमें पटेल कंपनी जो ना कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। आप किसको खिलाते हो, किससे पैसे लेना है, कितना है, वो अपनी लाइबिलिटी है। मैं 2 साल बाद छोड़ूंगा तो मैं उससे जो लेना देना होगा मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बाहर बैठ के भी ले सकता हूँ। जी हमारे अतिथि अभी रामकृष्ण जी, आपसे हम बाद में संवाद करेंगे, आप जुड़े रहे। रमेश सर, आप जो है उदय सिंह की बातों को समझ गए होंगे, आप थोड़ी सी अपनी राय देंगे कि उदय सिंह कहाँ तक जायज चल रहे हैं और कहाँ तक इनका जो जायज है ये इस प्रक्रिया में इनका मैस लेना, क्या ये उत्तरदायी है या नहीं, या फिर ये जबरदस्ती किसी के काम में उल्लंघन कर रहे हैं। रमेश सर हाँ उदय जी और राम प्रकाश जी दोनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। नमस्कार सर। आप दोनों भाई का वो साथ देख करके हम बहुत खुशी है। हम काफी दिनों से ये चर्चा सुन रहे थे के माध्यम से या सोशल मीडिया के द्वारा हम सुन रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा सा दुख होता है कि क्या कि हम सब किन्नौर के लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, और हम लोग उलझाए किसी मामले को लेकर, ये हमें कभी अच्छा नहीं लगता है। आपको बताना चाहेंगे हम कि हम किन्नौर के बहुत सारे लोगों की समस्याओं से बहुत परिचित है, और हमें कहीं ना कहीं लगा कि जब कभी हम भटक जाते हैं तो हम काफी एक्सपेंसिव वे को अपनाते हैं उन समस्याओं को हल बिल्कुल करने के लिए, ये निपटने के लिए हम लोग कई बार राह भटक जाते हैं और बहुत एक्सपेंसिव वे को अडॉप्ट करते हैं। उस एक्सपेंसिव वे में क्या होता है कि कई बार हम लोग किसी चीज को पाते पाते बहुत कुछ खो जाते हैं। तो मेरा आप जी दो से सर, दोनों से प्रेम भरा सलाह ये है, मैं कोई आप दो का कोई बॉस नहीं हूं, मैं हेड नहीं हूं, पर मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं और मेरा एक मॉरल ड्यूटी बनता है कि जितना भी हम कानून को समझते हैं उसके अनुसार हमारे भाव, क्योंकि मैं समझता हूँ डेवलपिंग है, हम लोग सब विकास कर रहे हैं, बहुत तो मीडिया के सामने बहुत हमें हमको गलत ना कर लगता है कि आप दो को एक मीडिएटर की जरूरत है। तो आपके पास प्रेजेंट में आप कभी भी ऑफ टाइम में कॉल करके हम दोनों लोग बैठ करके तो समाधान कर सकते हैं। जितना भी चीजें मैंने अभी तक सुना ये सारी चीज हम लोग वन साइड सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं अभी मीडिया में मोदी जी का, हमने इलेक्टर पर्सन से साहब को जा रहा है या रहा है या HPCL के जो अथॉरिटीज है वो कॉरेस्पोंडेंस कर। हमारे अतिथि की सिग्नल बहुत कमजोर है, इसलिए सबसे पहले तो इन्होंने आप दोनों को कहा कि आप दोनों मीडिया में ना जाएं, और हो सके तो दोनों ही फोन करें इनको, ये भी उन्होंने कहा है। जी सर, कहीं से सिग्नल प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा आप जी 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 लोग मुझे अब आप सुन रहे थे? अच्छा जी बहुत थोड़ी सारे आवाज लेटर साफ नहीं आ रही थी सर आपकी। लेकिन हमने राम प्रकाश जी के मत को नहीं सुना है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा अगर राम प्रकाश जी के भी मन में बातें कुछ भी हो सकी है, बहुत सारी बातें अब हमें नहीं पता बैक साइड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर राम प्रकाश जी से भी अगर हम थोड़ा थोड़ा जानते तो बड़ा सही रहता। राम प्रकाश सर, आपसे हम एक पहला सवाल ये रखते हैं
आप प्रधान पद थे और प्रधान पद का उपयोग करते हुए क्या आपने सच में जायज में ये आपने मैस अपने जो है ब्लोवल से लिया है, जो एक प्रधान पद के जो प्रधान पद के ब्लोवल से लिया है, कि या फिर आपको दिया गया है कंपनी ने? सर, मैं इस विषय बारे आपको कहना चाहता हूं कि वर्ष 2013 से मैं यहाँ पे तंगलिंग गांव में किसी किराए पे ये खाने का जो कैंटीन है मैस है, मैं चलाता आ रहा था वर्ष 2013 से, जब से प्रोजेक्ट का कार्य शुरू हुआ। उस टाइम यहाँ पे बस प्रोजेक्ट का कार्य स्टार्टिंग ही था, ना कोई कॉलोनी बने थे, ना कोई डंपिंग साइट थे, ना कोई यहाँ पे कोई मैस बना था। तो 2016 के बाद 13 के बाद तो मैं, मतलब 2016 में हम जब इलेक्शन हुआ तो मैं उपप्रधान लड़ा था। तो उपप्रधान लड़ने का, जब उपप्रधान जीते तो उसके बाद 2016 के बाद यहाँ पे डंपिंग होना शुरू हुआ, जो तांगलिंग मेरे मेस के साथ में ही है, बगल में ही था जहाँ मैं मेस चलाता था, वहीं पे कॉलोनियां बने, लेबर कॉलोनी जो पटेल वर्कर के आपके कार्य करते थे, तो मेरे सामने बनते थे, कॉलोनियां बने तैयार हुए। उसके बाद एक इनने अपना भोजनालय खोला, पटेल कंपनी ने एक बड़ा सा मेस खोला था उस टाइम। तो जब मैं यहाँ पे किसी का कमरे में रेंट लेके रहता था तो वहां पे मुझे रेंट पे करना पड़ता था, और मैं साथ में शॉप चलाता था और साथ में मेस चलाता था, दो कमरे लेके। तो फिर यहाँ पे जब आपका ये भोजनालय चला तो मैंने कहा कि ऑफिस में जाके कि यहाँ पे किसी एक बाहर के किसी व्यक्ति को वो मैस अलाउड कर दिया था पटेल कंपनी द्वारा, उसके भी यहाँ पे लेबर वर्कर खाते थे खाना। तो मैंने जाके बोला, उस टाइम यहाँ पे गाँव में ना ही किसी का कोई होटल था, ना ही कोई किसी का भोजनालय चलता था लेबरों के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे ही उस टाइम 50-60 लेबर खाते थे। तो मैंने जाके बोला कि आपके कंपनी के लेबर जब मेरे पास यहाँ खाते हैं, मैं यहाँ पे रेंट दे के कमरा ले रहा हूँ, तो जब आपने भोजनालय बनाया तो बाहर के लोगों को क्यों दिया इस गाँव में? तो जब मेरा मेस चलता है तो आप मुझे वहां पे शिफ्ट कर दो, मेरा चलो किराया तो बचेगा। और क्योंकि हमारा जब एग्रीमेंट बना था एचपीसीएल के साथ, जब प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वर्ष 2009 में सर, जब सेक्शन 4 लग रहा था, जब पंचायत से एनओसी जानी थी, तो उस टाइम उस एग्रीमेंट में यह कहा गया कि जो व्यक्ति एमपीएफ में होगा उस व्यक्ति को या तो स्थायी रोजगार दिया जाएगा या स्थायी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो मैं इस एचपीसीएल प्रोजेक्ट में मैन प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिली से संबंध रखता हूँ, जिसमें मेरे जगह भी गए हुए, जमीन भी गए हुए, प्लस मकान भी गए हुए जी एचपीसीएल कंपनी में। तो उसके मतलब एवज में मैं गया पटेल ऑफिस, तो मैंने कहा कि ये मैं सब मैं चला लेता हूँ। तो ठीक है, वहां पे जब साहबों से बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है चला लेना आपने। तो उसके बाद 2016-17 के बाद मैंने ये मैस का संचालन किया आज तक ये। जी रमेश सर, ये तो बिल्कुल जायज बात बनती है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रधान का जो पद का उपयोग नहीं किया, क्योंकि पहले से ही काम करते थे, और दूसरी बात ये नहीं चाहते थे कि कोई बाहर का आदमी काम करे। और जब ये खुद का बिल्कुल इनका सर, अपना मैस था, अगर तो कोई और बाहर का अपने गांव, उस दौरान क्या आपके अलावा कोई गांव से और भी आपके आसपास कोई दुकान चलाता नहीं था? इस कॉलोनी में कोई नहीं था सर, सिर्फ आप इस कॉलोनी अकेले के थे आसपास में, यहाँ पे जब कॉलोनी वो में अकेले ही कॉलोनी, था सर मैं। तो ये आपका अपना हक बनता है, जायज भी था। इस पर तो मैं खुद अपनी ओर से कहूंगा कि आपका जायज और हक बनता है उस समय, क्योंकि जी सर, हमारे किन्नौर में तकरीबन जहां भी रोजगार होते बाहरी लोग आकर आक्रमण कर देते हैं रोजगार के लिए, और आपने बिल्कुल पहली सर, प्राथमिकता दी, क्योंकि आप अपना रोजगार आपका ऑलरेडी खुल चुका था, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब जो है प्रक्रिया, हम आपकी पहली वाली गलती में किसी प्रकार की शायद गलती नहीं मानेंगे, या अधिवक्ता साहब भी यही कहेंगे, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन अब 5-6 साल हो गए कह रहे हैं, और इस बीच में अब मैस बिल्कुल खाली करने को कहा गया है, ऐसे में आप अपनी प्रक्रिया क्यों खाली नहीं करना चाहते, थोड़ी सी बात बताए, क्योंकि आपकी दुकान तो चली ही है और आपकी दुकान ऑलरेडी अब और भी है, लेकिन कारण क्या है नहीं छोड़ने का, ये जरूर बताएं। कारण ये सर जी, जब वर्ष 2000 फिर अभी जब 20 में इलेक्शन हुए सर, तो मैं ऊपर जाने से मैं पंचायत प्रधानी पद में लड़ा जी, और पंचायती प्रधानी पद में लड़ा तो यही हमारे गांव के भूपेंद्र प्रधान जी, प्लस मैं और 4 और कैंडिडेट थे, हमारे इलेक्शन हुए। तो जब इलेक्शन हुए तो रिजल्ट आया कि हम, मैं मतलब थोड़े थोड़े वोटों से हार गया सर, 18 वोटों से। तो जब मैं हार गया तो तब भी, अभी वर्ष 2 साल भी, अब 1.5 साल बीतने को जा रहे, पर वो मैं चला ही रहा था। पर मुझे ये मालूम नहीं था जब 2019 लास्ट टाइम में कि पंचायत द्वारा एक लेटर दिया गया एचपीसीएल को सर,
कि उसमें ये लिखा गया है कि ये जो तंगलिंग कैंटीन दिया गया है ये एक ही व्यक्ति को दिया गया है और इसे दूसरे व्यक्ति को दिया जाए, वो लिख के कुछ रेजुलेशन भेजा गया था एसपीसीएल को, तो उस दौरान उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक सर। तो ये जो मैस खाली नहीं करने का ये मेरा मकसद ये है सर, जो ये पटेल कंपनी है आपको क्या पूरे सब हिमाचल में सभी को मालूम होगा कि इसमें जो पेमेंट है बहुत डिले है सर। तो पेमेंट किसी के 8 महीना किसी के साल भी नहीं हो रहे इसमें पेमेंट। तो मैं खाना खिलाते आ रहा हूँ, जब आपकी कोविड थी 2 साल सर, उस टाइम लेबरों को मैंने खाना खिलाया और कई लेबर उस टाइम वर्कर चले भी गए, अब उनको ना हम ढूंढ सकते ना कहीं ला सकते, कोई उड़ीसा के होते कोई बिहार के है इसमें, है ना जी, कोई हिमाचली भी है, और अभी मेरे पास 45-50 लोग अभी भी खाना खाते मैस में सर, है ना जी। तो मेरे इस पटे उन वर्करों से लायबिलिटी अभी भी है लेने के 7 से 8 लाख के बीच में सर लेने के है। रामचंद्र राम राम क्या नाम बोला आपने, राम में राम प्रकाश सर, राम प्रकाश जी, राम प्रकाश हाँ जी, आप 8-9 लाख की लायबिलिटी में है, वो तो मैस चलाई क्यों रहे हो, कैसे घर चला रहे हो आप इतने लायबिलिटी में आप? तो सर इसमें ऐसा है कि हम भी जो आगे से कहीं लेते हैं दुकान से, कहीं दुकान से चलो सामान ले लेते हैं, फिर ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आप 8-9 लाख है उसमें से अब इनका भी इस मंथ नहीं तो अगले मंथ पेमेंट हो जाता है तो फिर 2-3 लाख रुपए आ जाता है, फिर ऐसे ही चलता है रूटीन में सर। यहाँ पे जो आपके जो जितने भी कॉन्ट्रेक्टर काम कर रहे हैं पटेल के अंडर में, कॉन्ट्रेक्टरों को भी ऐसी ऐसी स्थिति है यहाँ पे बनी सर, और जितने भी रमेश सर यहाँ पे सबकी स्थिति ऐसी। रमेश सर, रमेश सर, वैसे तो इनकी उपज है मैस की जो उत्पत्ति इन्हीं के द्वारा हुई है, एक हिसाब से ये मैस के होल्डर रहे किन्नौर के अंदर में उस एरिया में बनाने वाले, लेकिन अब कहते हैं कि जब कोई उतर चढ़ रहा होता है तो कोई ना कोई बीच में आ जाता है उतारने के लिए, अब ये राजनीति शिकार हो चुके हैं, लेकिन अब ये बहुत आगे चल चुका है, अब जैसे ही पंचायत में किसी को एक दिलासा दिया जाता है मैस में कौन कौन, क्योंकि मैस पंचायत के अंदर में एक ग्राम सभा बिठाई गई है मैच चलाने के लिए, वहां पर सभी को आवेदन किया गया था जिसमें 2 लोगों का जो है वहां पर पर्ची गया है, 2 लोग में से उदय सिंह की पर्ची निकल चुकी है, अब जब उदय सिंह की पर्ची निकल चुकी है तो अब उदय सिंह चाह रहे हैं कि यहाँ पर मैच ले, अब ये जो है अब रोजगार का मुद्दा बन चुका है, मैस का मुद्दा आला हट गया और राजनीति मुद्दे में ये खुद फंस गए हैं, लेकिन यहाँ पर उदय सिंह भी फंस गए क्योंकि इनको जो है अवार्ड हो चुका है एक हिसाब से, तो कंपनी ने तो दे दिया पंचायत को तुम लाके दे दो और पंचायत ने उदय सिंह को दे दिया, ये लायबिलिटी के कारण जो है मैस नहीं छोड़ना चाह रहे, अब आप अपनी राय रखे सर। निश्चित तौर पर जो हमने इनका राम प्रकाश जी की बातें सुनी है, निश्चित तौर पर 2009 से इन्होंने काम किया, ये सही हो सकता है जो ये बोल रहे सही हो सकता है, उस टाइम तो लोग अभी ढंग से वहां पर कामकाज चला ही नहीं था, तो इस वक्त बुरे वक्त में इन्होंने रोटी खिलाया लेबरों को, काफी मदद किया, तो ये इनके गुडनेस के लिए हम थैंक यू करते हैं। लेकिन जहां तक रही लाइबिलिटीज की बात, तो क्या होता है कि जो जहां तक मुझे लगता है अभी तो ढंग से क्लियर भी नहीं हुआ मामला, ये जो प्रिमाइसिस होगा वहां पर जो कॉलोनी होगा ये शायद मेरे हिसाब से तो या तो एचपीसीएल की प्रॉपर्टी होगी या कंपनी के हैंडओवर फिलहाल एचपीसीएल ने किया हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी शायद सर, नहीं जो लैंड जो है कंपनी के अंडर में है वो लैंड ना, कंपनी के अंडर में कॉलोनी पूरा, बिल्कुल राइट। अब क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी कंपनी की है तो पहला जो राइट्स है वो कंपनी का है, फिर कंपनी जो है ना हमारे गवर्नमेंट के साथ जुड़ी है, एचपीसीएल जो ना ऑलरेडी अंडरटेकिंग है वो कॉरपोरेशन है, वो लिमिटेड कंपनी है हमारा एचपीसीएल की और गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, तो क्या होता है कि इनका मेन मोटिव तो यही रहता है कि वहाँ के लोकल को जो लोग है उनको जो नाम रोजगार दे। अब ये रोजगार जो आइडेंटिफाई करता है कंपनी नहीं करता है आइडेंटिफाई, ये करता है वहाँ का लोकल गवर्नेंस मतलब ग्राम सभा प्लस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पब्लिक ने देखना है कि नीडी, अब नीडी में भी क्या होता है कि जो अफेक्टेड लोड इन लोग होते हैं इनके भी कंपनी का जो प्रोसीजर होता है जो इनके एमओयू सिग्नेचर होते हैं साइंड होते हैं उसके अनुसार कोई ज्यादा इफेक्टेड होता है कोई कम इफेक्टेड परसेंटेज होता है इसमें भी। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन्होंने काम कर लिया काफी सालों से, लाइबिलिटीज है उसके लिए रिकवरी का भी एक तरीका है, मैं अगर हो सकता है वैसे तो इनको नॉलेज होगा फिर भी मैं चलो अपने नॉलेज शेयर करता हूँ। रिकवरी का तरीका क्या होता है कि जितने भी लोगों के लेबर से पेमेंट लेना है उनके कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ो प्लस कंपनी का पकड़ो, क्योंकि कंपनी फाइनेंस करती है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर फाइनेंस करते हैं लेबर को। अगर किसी लेबर का पेमेंट आपको देने का है 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप उनका विथ नेम दे करके उनसे रिकवरी आपको हो सकता है, कोई बहुत इजी तरीका है, कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है। दूसरी बात,
अब रही बात कि भाई किसको देना है किसको नहीं देना है, ठीक है, 5-6 सालों से आपने काम किया, 7 सालों से काम किया, हम आप पर आरोप तो बिल्कुल नहीं लगा सकते कि आपने गलत किया, ठीक है, जो वक्त था, ठीक है। क्या होता है ना, हम लोग जब स्टेडियम रिकोंगपियो स्टेडियम में जिन्होंने भी बनाया, तो आपको पता होना चाहिए जो स्टेडियम बनाया है उस जमाने में रामू श्यामू की भाई दूसरा बैच आया था, वो लड़के में नाम भूल गया, एक रिकोंगपियो बाजार से लड़का था, एक बहुत अच्छा बैटिंग क्रिकेट खेलता था, उन्होंने बहुत सारे अपने अप्रोच लगाए, जो भी किया, आज देखो रिकोंगपियो में स्टेडियम बना। तो स्टेडियम बनने के बाद ना प्लेयर वो नहीं रहे, आप प्लेयर वो दूसरे लोग आ गए, ये ठीक है, नेचर है, नेचर ऐसे ही चलेगा। आपने बहुत मेहनत किया, आप लोगों को लगता है कि वहां पर पैसा है, तो अब ग्राम सभा को भी लग रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी लग रहा है कि भाई अब हम किसी औरों को दे, तो अगर आप बुरा ना माने, तो अगर आपको लगता है कि लाइबिलिटीज तो मैंने बता दिया, हो सकता है रिकवरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर बुरा ना माने तो अगर आप मान जाए तो ठीक है, बाकी देखो हम आपको कंपेल बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें कोई राइट्स नहीं आपको कंपेल करने का, ना ही हमारी कोई नियत आपको ठेस पहुंचाने की, हमें क्षमा करें। अगर आपको लगता है कि ठीक है दूसरा राइट होल्डर आ रहा है या अफेक्टेड है दूसरा भी पर्सन है, अगर आपका लाइबिलिटीज है तो रिकवरी हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हो जाएगी, कंपनी पटेल कंपनी से भी हो जाएगी, कॉन्ट्रेक्टर से भी हो जाएगी, उसके लिए तो आपका बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। बाकी थोड़ा सा आप देख लो, अगर सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो दूसरे भाई को करो, दूसरा भाई भी अगर 1-2 साल को, और पहली बात तो मैं जहां तक लगता है कि ये एग्रीमेंट इनका प्रॉपर शायद नहीं बना हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग को एग्रीमेंट प्रॉपर बनाना पड़ेगा विथ कंपनी और जो इंडिविजुअल है उसको प्रॉपर एग्रीमेंट बनाओ, चाहे 1 साल का है 1.5 साल का, उसमें थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व करो, जैसे ग्राम सभा को इन्वॉल्व करो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करो, तो आने वाले टाइम में ऐसा डिस्प्यूट नहीं होगा। खैर मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि उदय जी को छोड़ो, मैं राम प्रकाश जी आप छोड़ो, प्लीज बुरा नाम आए, तो अगर ऐसा लगता है कि नहीं अब हो गया तो देख लो, बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ। राम प्रकाश सर, आपके लिए हमारे जो अतिथि मोदी ने कहा है, खुद अधिवक्ता है, बेहतरीन तरीके से उन्होंने कहा है कि माना कि कंपनी का जो है लेट होता है, मेरा भी कंपनी के जो है क्रेट का काम चला हुआ है और लेट आता है 5-5, 6-6 महीने के बाद, लेकिन देती जरूर है। आप ऐसा कीजिए, इन्होंने कहा है कि जो लाइबिलिटी जो है आपका कंपनी के द्वारा और उनके ठेकेदारों के द्वारा आसानी से मिल सकती है, तो कोशिश कीजिए, ये गांव का मसला है, हर आदमी को आपका एक एक मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी जो है गांव में और इज्जत बढ़ेगी। ठीक है, आप अभी तक लायबिलिटी के कारण आप उलझे थे, आपको लायबिलिटी के कारण आपके परेशानी थी, इस वजह से आप जो है नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास वकील जी का नंबर भी है, आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं उनका नंबर भी दूंगा, लेकिन आप अपने लिए एक मिसाइल कायम कीजिए, अपना एक मिसाइल बनाइए कि आप इस एपिसोड में आए थे और आपने हर बातों को समझा और जो है भविष्य के जो युवा पीढ़ी है उनके हाथों में दिया। ऐसा नहीं है कि आपको जो है आपको हम जबरदस्ती नहीं करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। चलिए, फिर भी आप अपनी राय क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? सर इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा सर, इस विषय बारे में खाली करवाने के इशू के बारे में, जब शुरू में जब कैंटीन खाली कराने की बारी आई, जब फिर हो गया बोला कट गया ना, कहाँ गया जी, यहाँ पर किशोर माजू की एक मैसेज आ रहा है, देखो किन्नौर में जितने भी प्रोजेक्ट चले हैं, फूट डालो शासन करो नीति से काम करते हैं, कृपया भाई बंधु आप लोग बचो, तो ये इस पर भी आप लोग ने ध्यान देना है। तो राम प्रकाश जी आप अपनी बातें रखें। सर ये जो पहले शुरू इशू मेरे को नोटिस आई, जब मुझे मालूम हुआ कि कैंटीन खाली कराने बारे जब नोटिस आई ना जी, तो ये पटेल कंपनी के जीएम द्वारा नोटिस आई मुझे जी, तो उस नोटिस में ये लिखा था, शायद आपको भी होना नोटिस मिला, उस नोटिस में ये लिखा था कि ये राम प्रकाश जी आपको टाउनिंग के मतलब ग्राम सभा के प्रस्ताव पंचायत प्रस्ताव द्वारा और एक व्यक्ति द्वारा आपको मैच खाली करवाने की ओर दिया जा रहा है करके, तो आपको ये जो इसका समाधान आप अपने ग्राम सभा लेवल पे जाकर 30 दिनों के भीतर अपना समाधान करें। तो मैं जब मुझे वो नोटिस मिला उसके उपरांत मैंने एक अपना एक एप्लीकेशन लिखा सर, कि उसमें मैंने अपना पूरा ब्यौरा लिखा प्रधान जी को, ग्राम पंचायत वाली प्रधान जी को उस एप्लीकेशन पे, कि मेरा ये स्थिति था और मैं इस एमपीएफ परिवार से संबंध रखता हूँ, और जो आपके पंचायत प्लस संघर्ष कमेटी प्लस जो हमारे गाँव वालों के मध्य एसडीएम द्वारा जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें भी कल ये लिखा है कि या रोजगार दिया जाए या स्थायी रोजगार दिया जाए जो एमपीएफ परिवार से,
उसके एवज में मुझे मैस दिया गया था। अगर मुझे ये मैस खाली करवाना है तो प्रधान जी, जो आपके पंचायत द्वारा प्रोसीडिंग जाकर जो मुझे मैस खाली करवाना है, तो मैंने उसमें ये लिखा दिया था कि मेरे जो 7-8 लाख रुपए है उसे आज आप रिकवरी करवा के मुझे दिला दे, और एग्रीमेंट के आधार पे मुझे एचपीसीएल या पटेल या कहीं भी आप रोजगार दिलाया जाए, उस मैस को मैं तुरंत खाली करवा दूंगा। तो उसका ना मुझे प्रधान जी ने उसके बाद ना मुझे पंचायत में बुला दिया गया, ना उस मेरे एप्लीकेशन को ना कहीं ग्राम सभा में रखा गया, ना कहीं पंचायत मीटिंग के प्रोसीडिंग में रखा गया सर। तो उसके बाद जब प्रधान जी ने एक दिन ऐसा किया कि जब इनकी शायद मीटिंग थी, पता नहीं, वो भी मुझे मालूम नहीं, पंचायत प्रोसीडिंग नहीं लगा उस टाइम, पंचायत प्रधान जी ने अपने लेटर पैड पे इंडिविजुअल लिखकर वो मैस उदय कुमार जी को अलॉट कर दिया। तो उसके आधार पे मुझे दोबारा एचपीसीएल से लेटर आया कि आपको ये जो पंचायत प्रधान जी द्वारा ये मैस उदय कुमार जी को दिया गया है, और आप जो है इस मैस को 7 दिन के अंदर खाली करा दो। उसके बाद मैंने एक अपना अमरचंद एडवोकेट द्वारा एक लीगल नोटिस पटेल कंपनी को लगाया कि जिसका मुझे जवाब 15 दिन या 45 दिन के अंदर आ जाना चाहिए था, तो वो जवाब मुझे आज दिन तक आया नहीं है। मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ सर, जो पंचायत प्रधान जी और जो उदय सिंह जी द्वारा मुझे जो साजिश चर्चा जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उदय सिंह जी लगभग 8-10 वर्ष एचपीसीएल में रोजगार कर चुके हैं। पहले ऑलरेडी एमपीए परिवार के बतौर पे उन्हें रोजगार मिल चुका था, तो उनने अपना रोजगार छोड़कर तो अब मेरे मैस के पीछे मुझे खाली करवाने और मुझे बेरोजगार करने के उस पर टूट के पड़े थे। तो कोई षड्यंत्र या साजिश ही रचा जा रहा है मुझे। और जो हमारा मैस है, कैंटीन है सर, उसके 10 या 15 कदम बगल में उदय सिंह जी द्वारा एक अपना मकान बनाया गया है, वहां पे वो अपना दुकान भी चलाते हैं और वहां पे उनने अपना वो क्या बोलते हैं ढाबा भी चला रखा है। तो वहां पे 2 कमरे उनका ढाबा है, शाही ठाट का अच्छा ढाबा है और लग्जरी रूम है, तो वो वहां पे भी तो अपना रोजी रोटी कमा सकते सर। उनको तो कोई वहां पे कोई बिलिंग नहीं करना, कोई आपका ये देना नहीं है, रूम का रेंट देना नहीं है, कोई किराया देना नहीं है। तो मुझे तो यहाँ पे भी अभी मैंने एक शॉप लिया है, वहां पे भी मुझे किराया देके शॉप चलाता हूँ सर मैं जी। जी जी। और जो कंपनी में जो मेरे और जो कंपनी में मेरे मैस के साथी ऊपर को 2 मैस ऑलरेडी बने हैं पटेल कंपनी ने, ये जो बाद में जब लेबर बढ़े तो और 2 मैस बनवा दिए। तो वहां पे अभी 2 कमरों में पटेल कंपनी के मैस चल रहे और 1 कमरा अभी भी खाली पड़ा है वहां पे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उदय सिंह जी को भी कमरा चाहिए तो वहां पे कमरा ले लीजिए और उसमें अपना मैच चला लीजिए, उसे मेरे ना कोई आपत्ति ना कोई कुछ नहीं सर। जी बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा जो डॉक्यूमेंट्स मिले वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इस डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी आपका जो पंचायत को गया हुआ लेटर मुझे नहीं मिला, तो चलिए ये अलग बात है। अब मैं रामकृष्ण जी से एक सवाल जरूर पूछूंगा, यहाँ पर हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन रामकृष्ण जी आप कितने साल कंपनी में जॉब करते थे? हेलो, नहीं जॉब नहीं कर रहा रामकृष्ण जी। उदय सर, उदय जी,
उदय जी आप कितने साल कंपनी में जॉब करते थे? ये पॉइंट इन्होंने बड़ा अच्छा किया सर, मैंने किसी कंपनी में जॉब नहीं किया सर। जैसे राम प्रकाश जी ने कहा, मैंने जॉब किया 2 साल करतार नेगी के पास सर, 2 साल किया जितेंद्र नेगी के पास, ठीक है सर, और आपका 2 साल भूपेंद्र नेगी के पास। ये बंदा मेरे को ये बोले कि प्रधान जी से मेरा ये है, भूतपूर्व प्रधान जी, इनसे मैं रिक्वेस्ट है कि मेरा ईपीएफ रिकॉर्ड लाके तो दिखाए कि मेरे को जॉब किसने दी, ठीक है ना जनाब। दूसरी बात इन्होंने एक चीज और बोला सर कि भी मैं इतने सालों से यहाँ पे कैंटीन चलाता था, ठीक है ना सर, तब मैंने जो है ना लेबर कॉलोनी में कैंटीन शिफ्ट किया। अगर ये प्रधान होते, कैंटीन अगर वहां पे बनता दिखता, तो प्रधान को तो हमेशा यही सोचना चाहिए, ये तो जनप्रतिनिधि है, इनको तो यही सोचना चाहिए कि भी मैंने इस मैस को पंचायत के आगे ले जाना है कि भी जो जरूरतमंद है उनको देना है। मेरा कहने का मतलब आपको आपको बीच में रोकता हूँ, आपको ठीक है बीच सर में रोकता हूँ। सबसे पहला ध्यान देना, जब जी सर कंपनियां चल रही थी, एक संवेदन वाली बात है, आपके अंदर में दिल होना, दिल और हृदय है तो समझना। जी सर जब ये वहां पर आप इतना मानते हैं कि जब वहां पर कंपनी आ रही थी ये इकलौते थे, आप मानते हो? जी सर नहीं सर, आप जब मानते वो हो कि कंपनी जब, जी सर पहले बात मैं आपको जब सवाल रख रहा हूं, जी जब सर वहां कंपनियां आई थी तो उस एरिया में इकलौते ढाबे वाले थे? नहीं सर, ढाबे तो और भी थे सर, ढाबे तो और भी थे सर जो बाहर मतलब प्राइवेट चला रहे थे। और ये राम प्रकाश जी ने एक सवाल और बोला सर कि भी मैं जो है कि भी अकेला बाहर कर रहा था, और उसको आवेदन करने के लिए मैं भी गया सर, उस मैस को आवेदन करने के लिए मैं भी गया था संजय शर्मा जी मैं के पहले पास सवाल, हम उस पर सवाल करेंगे जी सर। कि जब स्टार्टिंग में कंपनी आई थी तो उस सराउंडिंग में कौन कौन थे? कंपनी के नजदीक जो मैस चल रहा है उसके सराउंडिंग में कौन थे? सराउंडिंग में सर दो थे सर, दो, दो पहला दो कौन थे, थे? उसके बाद ये क्या बोलते हैं, इनसे पहले तो एक और भी थे सर, नेपाली, नेपालियों ने भी खोला था, इन्होंने भी आप, खोला मैं था ये भी बोल रहा हूँ, जब आपका जो कंपनी चल रहा था उस सराउंडिंग में लोकल बंदा कौन था? पहले ये बात कर रहे हैं आप, पहले लोकल मैं ये बंदे यही पूछ थे रहा सर, नहीं राम प्रकाश हूँ। जी तो थे आप सर पहला लोकल, पॉइंट ये यस रखें, पहला पॉइंट ये सर रखें आप जी, जब ये लोकल बंदे थे तो इनके माइंड में ये उत्पत्ति रही कि क्यों बाहरी लोगों को दें, हम इस कंपनी में रहते हैं, तभी इन्होंने उस मेस को अपनाया है। सबसे पहले, अगर उससे पहले आप भी जाते, पहले ध्यान रखिए, सुनना तो जी जरूरी सर है, आप किसी संवेदना को भी जानिए, आप पढ़े लिखे होंगे, आप अच्छे वक्ता होंगे, प्रेस जी मीडिया सर में जाने से कुछ नहीं होता है, पहले अंदर की संवेदना को भी समझना है। जी उन्होंने सर काम इसीलिए किया ताकि बाहर के लोग जो आकर जो है यहाँ पर काम ना करें, इसलिए वहां पर मैस लिया। ठीक है जी कि सर ये पंचायत प्रतिनिधि चुने गए और पंचायत में आ गए और उन्होंने जो है अपने मैस के काम को चलाया और 6 साल चलाया। 6 साल के बाद आप लोगों की या अन्य लोगों की आंख खुल रही है, उसके बीच में बाकी लोग कहाँ गए? उसके बीच में क्यों क्यों लोग जागे नहीं? सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पहले मेरी बात सुनिए सर। जब इन्होंने मैस का आवेदन किया ना सर, जब ये पंचायत में प्रधान थे, मैं मान गया कि इनका मैस बाहर चल रहा था, उस मैस के ऊपर सबकी नजर थी, उस मैस को आवेदन करने के लिए मैं भी गया, पर इन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके अंदर से ही ले लिया। जब मैं वहां पे एक आवेदन करने गया था सेकेंड, आप आवेदन करने के लिए कौन से सन में गए? सर, जब ये मैस बना ही था सर उस टाइम, ये मैस अभी बना ही था, मतलब इसमें कोई चालू नहीं था सर, राम प्रकाश अंदर भी नहीं गए थे, मतलब ये जस्ट बना ही था, ताला लगा हुआ था उस टाइम, आवेदन करने में भी, और राम प्रकाश जी ने ये भी कहा था ये मैस मैं ही लूंगा। नहीं तो आपसे मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ, 2006 से आप जब इतना पढ़े तो 2006 तक कर क्या रहे थे आप? उस समय क्यों आपने, उसी समय आपने इस चीज को हल्ला हो करके क्यों नहीं लिया? सर 2006 की तो बात ही नहीं है सर, 2006 में तो मैस ही नहीं खुला था, नहीं, जब मैं ये इन्वेस्ट ये नहीं बोल रहा हूँ 2006 2006 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जब ये चला रहे थे ना, जब आप बोल रहे कि जब मैं उस समय जब बन रहा था, मैं भी लेने जी के सर इच्छुक था, मैं भी आवेदन करना था, इन्होंने कहा कि जी मैं अपने बलबूते लूंगा, लेकिन उसी समय आप इस चीज को हल्ला हो क्यों नहीं किया? आज आज सर मतलब कौन सी सन है, कौन से सन की बात है ये? मैंने ये चीज पंचायत में भी बोला था सर कि भी ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, पर मेरी बात उस टाइम किसी ने सुनी नहीं सर। और दूसरी ये बात कब ये की जैसे बात बोल है, रहे ये हैं कब की बात है? ये सर, ये होना सर 2015 16 की बात है सर, जब ये पंचायत में आए थे तभी लिया था इन्होंने, ये मैस तभी लिया था सर, इससे पहले नहीं लिया, जब ये रामकृष्ण प्रधान सर, ये आपने मैस कब से चलाया? 2017 से सर। अच्छा, 2000।
उस टाइम यही पे ड्यूटी करते थे एचपीसीएल में एज ए कॉन्ट्रेक्टर के उस बेस पे। तो आप इन्होंने सही बोला, भूपेंद्र जी को जानी के ये भी मैं जानता हूँ, जितेंद्र जी पुरवानी के इनको भी मैं जानता हूँ, ये ठेकेदार है कॉन्ट्रेक्टर, इसको हम जॉब नहीं करेंगे। कॉन्ट्रेक्टर के बेस पे रखते थे सर वो, आप जो आपकी नीति बननी है अभी कॉन्ट्रेक्टर के बेस पे सर, ये जो आपने वो रैली वाले और अभी भी नाइलॉन के थ्रू कई लड़के हमारे वहाँ पे ड्राइवर करवाया, कभी किचन का काम करवाया, कभी वायरिंग करवाते थे मेरे से, ठीक है ना, कभी मशीन ठीक करवाते थे, वो मेरा कोई वो नहीं है सर। अगर जैसे ये राम प्रकाश कहते हैं कि मैंने जॉब लिया, तो मेरा एपीएफ रिकॉर्ड लाओ ना सर, एपीएफ का तो कोई रिकॉर्ड होता होगा कि मैंने इसको काम दिया, जैसे पटेल के पास काम करते हैं तो उसका कोई पूरा डॉक्यूमेंट रहता है, मैंने इतना पेमेंट दिया, कोई गरीब बनता होगा सर। राम प्रकाश सर, जी सर, जी सर, पंचायत में आप प्रधान नहीं है, अगर होते ये केस आपके पास आता तो सबसे पहले आप किस नजरिए से इस केस को हैंडल करते आप? सबसे पहले इस केस में मैं ग्राम सभा में इस मुद्दे को उठा लेता सर, ग्राम सभा में ये मुद्दा रख लेता सर। आपके पास मैं आपके जगह होता और आप अलग से जज होते, आप ही के जगह मैंने मैस लिया है, आप किसकी क्या करते आप अपने आप को मतलब उस समय कैसे आप जो है इसका निष्कर्ष निकालते आप? इसका निष्कर्ष मेरा तो मानना यही है सर, जो मेरे पैसे इसमें लगे हैं जितने कॉन्ट्रेक्टरों के जितने वर्करों के, उसका एग्रीमेंट ग्राम पंचायत प्रधान जी बनवाया मुझे ग्राम पंचायत। एक चीज बताऊं आपको, हमारे अतिथि महोदय ने इतना बेहतरीन तरीका बोला है, एग्रीमेंट कोई नहीं बनता है। आप बहुत ऊंचे पद पर रहे हो, जहां पर समाज चलता है आपके नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं। आपकी गांव की आबादी कितनी है? लगभग 1200 के लगभग। 1200 लोगों के नीचे ऊपर आपने काम किया है, और उन 1200 लोगों को आपने आपने जो है बारीकी से जाना होगा कौन कैसा है कौन कैसा है। लेकिन अगर आप आगे आगे भी आप राजनीति में जाना चाहोगे और अभी वर्तमान में इतने छोटे केस को इतना बड़ा भयंकर बनाएंगे तो ये आपके लिए शोभा नहीं बनता है। मैं आपको इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, आपका पद जो है इतना बड़ा रहा है पंचायत के अंदर में तभी कह रहा हूँ, वरना मेरा कोई अधिकार नहीं है आपको बोलने का, ठीक है जी। और यहाँ जो यहाँ मैं इनकी भी पैर भी नहीं कर रहा हूँ, हम दोनों यहाँ थे थी इसलिए आप दोनों को एक एक यही चाहते कि आप दोनों आपको सबसे पहला अपनी पद की गरिमा का जो जो पंचायत में रहना, आपने शपथ खाया होगा वहां पर, शपथ खाया ना आपने? नहीं किया शपथ? आप उस शपथ को दोहराएंगे? आप उस शपथ को दोहराएंगे कि क्या खाया था आपने? चलिए, आपको शपथ याद भी नहीं होगा, लेकिन जब भी हम किसी बड़े बड़े पद का हम जो है लेते हैं तो हम शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं राम भगत नेगी और मैं तन मन से समाज के हितों को कार्य करते हुए, समाज के जो है छोटे बड़ों को देखते हुए, समाज में जो है जातिवाद से उठकर धार्मिकवाद से उठकर मैं सबसे पहले मानवता का पालन करूंगा और सबका सम्मान करूंगा, सबके जो है सबको देख रेख करूंगा, इस प्रकार का प्रतिज्ञा होता है। तो आप उस प्रतिज्ञा को भूल गए, आप उस प्रतिज्ञा को भूल गए हैं। आपको ये सोचना है मैंने 6 साल, सुनिए, आपको ये सोचना है मैंने 6 साल काम किया है, मेरी नई पीढ़ी भी आगे काम आएंगे और मेरे नई पीढ़ी को भी आगे काम देना है, इस निष्कर्ष को आपने सोचना है। हम इस एपिसोड को थोड़ी देर में खत्म करेंगे, हम यहाँ निर्णय कुछ नहीं निकलने वाला, आप दोनों को नंबर दिया जाएगा और आप दोनों हमारे अतिथि से बैक कॉल करेंगे और ये आपके लिए एक स्पष्ट तरीके से एक मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, आप उस पद की गरिमा को बनाए हुए। लेकिन कहा कि आपने 6-7 लाख का आपका वो रहा है, उसे कैसे निकलवाना है, कैसे निकलेगा, हमारे अतिथि महोदय खुद अधिवक्ता है, वो आपको बताएंगे। अधिवक्ता सर, और हमारे आपसे आपसे निवेदन है रमेश सर, आज के इस कैलकुलेशन का थोड़ा सा आप हिंट देंगे कि क्यों हमारा किन्नौर आखिर जो है अपने जो एक जो जो हमारा एक कर्मठ जो हमारा कर्म किया होता है, हमने एक सामाजिक दायित्व को उठाकर हम फिर पीछे हट जाते हैं, हम पद की गरिमा को भूल कर जो है हम सिर्फ अपने लिए हट हो जाते हैं कि मुझे ही चाहिए मुझे ही चाहिए। एक अकेले राम प्रकाश चीनी ऐसे कई किन्नौर के अंदर में
छोटे से लेकर बड़े राजनीतिक दल जितने भी है सबको अपने लिए चाहिए। आदमी मरे तो मरे, गरीब मरे तो मरे। आप देखते होंगे जितने भी राजनीतिक जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे जो भी होंगे, आपके आप छोटे मेंबर से लेकर आपको अगर एक एक घरों घरों का मेंबरों से भी छानबीन करेंगे प्रधानमंत्री पीएम तक, आप देखेंगे कि उनकी राजनीति की बात की जो है, राजनीति से पहले और राजनीति के बाद उनकी चमक कैसी होती है। अब अपने प्रकार डालें सर। हाँ, हमारे दोनों जुझारू भाई, एक एक्स उपप्रधान जी है, दूसरे हमारे जुझारू भाई साहब है, हम दोनों का पुणे जो एक बार अभिनंदन करते हैं। आप दोनों की बातें हमने सुन ली और हमें थोड़ा बहुत समझ आया मामला। आपको कोई कानून के टेक्निकल के बारे में बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा 2 मिनट सुनना। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि भाई साहब ने एक मिनट बोलना चाहता हूँ सर, जैसे इन्होंने लायबिलिटी के बारे में बोला ना सर कि मेरा इतना पैसे फंसा हुआ है, तो ग्राम पंचायत पुआरी के उप प्रधान भूपेंद्र सिंह नेगी जी ने खुद आग्रह किया, काश आप इसको छोड़ दो, जो लायबिलिटी है मैं आपको कवर करके दूंगा, आप सिर्फ मेरे को लिख के दो, बोला सर, तब भी ये नहीं माने सर। भूपेंद्र जी ने ये क्लियर किया कि आप मेरे को लिस्ट बना के दो, जैसे पेमेंट पड़ती है मैं पटेल से डालता रहूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, बोला सर। ये वार्तालाप हुई है, फिर भी इनके बाद भी इन्होंने चालपुरुषी की मेरे साथ। मैं उदय सिंह जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं और सभी जितने भी पेज से जुड़े हैं, मुझे तो राजनीति से जुड़े लोगों से जो है अपेक्षा ही नहीं रहती है, क्योंकि वो कभी निस्वार्थ सेवा से जो हमारे लिए काम करेंगे, जिसके अंदर में निस्वार्थ सेवा होती है वो कुछ देखता भी नहीं है, वो अपना जो है निर्णय जो है एकदम बदल देता है। हाँ, ये अलग बात है कि इन्होंने उस मेस को सींचा है, बनाया है, संजोया है, तो ये बात अलग है, इनके लिए भी दर्द है और इनको छोड़ना भी बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन स्थायी मैस नहीं है, परमानेंट मैस नहीं है, इसलिए रोजगार देना चाहिए सबके लिए। अगर स्थायी होता, चलिए यार आपका स्थायी है, क्योंकि वो कुछ सालों के बाद तो पेंडिंग होना है, 4-5 साल के बाद तो खत्म होना है, तो क्यों ना एक एक दो दो साल सभी को देंगे तो आपकी मान मर्यादा बनी रहेगी, गांव में इज्जत बनी रहेगी, आपका समाज में छवि ऐसे ही बने रहेंगे, आप राम प्रकाश हो, आपका नाम जो है प्रकाश की तरह जो है उजाला होता रहेगा। तो ये आपको खुद को सोचना है, हम आपसे यही आपसे निवेदन करते हैं, बाकी कुछ नहीं रखा है। आप जितना भी धन समेटोगे आपको उसी वो धन आपको तराएगा नहीं, आप इंसानियत बटोरोगे, आप अगर जो है आपके अंदर में जो है एक सामाजिक भावना को लाएंगे। हमारे अधिवक्ता के बारे में आप जानेंगे, आप कितने सारे केस फ्री में लड़ते हैं, कितने लोगों को जो ये जो सामाजिक कार्य करते हैं, आपको गिनाना भी मुश्किल है। तो ऐसे पर इस बारे में एक विषय रखता हूं सर आपको 1 मिनट के लिए। जी जी, जब सर जी, ये मैं जब मुझे लेटर आई एचपीसीएल द्वारा कि एक दिन में यहाँ पे आया था, अपने बच्चे छोड़ने स्कूल जा रहा था जी, तो उदय सिंह जी द्वारा मेरे मेस में जबरन सामान अंदर लगाया जा रहा था, अपने कुर्सियां लेके जबरन मेस में रख रहे थे। तो जब जबरन मेस में रख रहे थे तो मैंने बोला भी ये क्यों रख रहे आप ऐसा, या कोई ऑर्डर लाओ या कोई कुछ होगा या मेरा समाधान होगा तभी रखना। ये तो बिल्कुल मेरे साथ उस दिन लड़ने आए उस मेस में, कि क्या बताऊं, मैं वीडियो भी बना दिया था, वो मोबाइल भी इन्हें छीना था, उस दिन केस भी हो चुका है 2 बार थाने में, एसडीएम लेवल तक भी जा चुका है। उसी कारण अब मुझे भी तो अब ये कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही कुछ हुआ तो हो जाएगा, वरना तो मैं भी ऐसा आसानी से मैच करना। तो उदय कुमार द्वारा ये मैच अगर कोई गांव का और इच्छुक व्यक्ति ग्राम सभा में आके अगर आवेदन करता है ग्राम पंचायत पुआरी में और वो चलाना चाहता है, तो मुझे सर्टिफाइड है कि पटेल कंपनी द्वारा छोटा मैच दिया जा रहा है, मैं वहां पे शिफ्ट होने को राजी हूँ। पर उदय सिंह जी द्वारा जो कंपनी से लाभ लेने के बाद उसी मैच में शेयर क्या चिपका है मुझे मालूम नहीं हो रहा। देखिए, आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ, ये अलग बात है, इनको अवार्ड हो चुका था, आप नहीं छोड़ पा रहे थे, अवार्ड होने के बाद तो कोई भी जाके रखता है, आप इस चीज को मत वो पंचायत ने अवार्ड नहीं बनाया था इसे सर, ये नहीं था पंचायत की ओर से दिया गया है, कागज है ना हमारे पास, पंचायत ने तो बताया है ना, आप मैंने आपको पहले ही तो कहा था अगर आपके पास ये केस आ तो कैसे आप हैंडल करते, आप उलझाइए मत ना, ये तो बात को हम उलझाने वाली बात करें ना, आप छोड़ना नहीं छोड़ना, ये आपकी इंसानियत है, आपकी मान मर्यादा है, आपके अंदर में कितना जुनून है उसकी बात है।
देखिए, दो कागज मेन रखते हैं, एक तो मैंने कागज पंचायत का देखा है, एक आपका जो है कंपनी का देखा है, दोनों में मेंशन किया गया है उदय सिंह को। अब जब मेंशन करने के बाद कोई भी आके ताला आपका हो भी, आप उठा, आप जब मर्जी उठा सकते हो, अपना सामान तो रख सकता है, इसमें तैश वाली बात नहीं है। अगर तो इनके पास कोई वैसा कागज नहीं होता, जबरदस्ती आए होते तो बात अलग होती। चलिए, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने ईमान को, आपकी एक बहुत बड़ी पोस्ट रही है उसके लिए बोल रहा हूँ, वरना मैं आपके ऊपर बिल्कुल इतना प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर बिल्कुल हमने सर, शपथ लिया होता है, उस शपथ की बिल्कुल गरिमा जो है जीवन भर रहती है। मैं पांचवी, जब हम पहली दूसरी में पढ़ते रहे थे तो वहां भी हमने प्रतिज्ञा करते थे, मैं भारत का नागरिक हूँ, हम सब भारतीय एक है, इस प्रकार का एक हमको पढ़ाया जाता है, वो इंसानियत रखे। तो अधिवक्ता सर, आप अपनी बातों को रखें, अगर दोनों में इंसानियत होगी तो कोई ना एक तो कोई कोई ना कोई तो एक पहल दिखाएगा। हाँ, मैं पहले भी बोल रहा था, थोड़ा बात कट गया। आप दोनों हमारे छोटे भाई है, दोनों अच्छे जुझारू है, एक हमारे उपप्रधान रह चुके, एक नए आने वाले समय हो सकता है बहुत अच्छे लीडरशिप लोगों का नेतृत्व करेंगे, बहुत अच्छी बात है दोनों के। हाँ, ये बात थोड़ी जरूर है कि जो प्रधान का जो रकम चिट्ठी जा रहा है, क्या होता है कि जो ग्राम सभा का जब भी कोई अप्रूवल होता है तो कोरम का चिट्ठी जाता है, ये बात सही है। क्या होता है कि एक इंडिविजुअल यहाँ पर प्रधान ग्राम पंचायत कांगलिंग कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, हम एक तरह से उसको बिल्कुल दृष्टि अगर ढंग से करेंगे तो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये प्रधान इज सिंगल प्रधान, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन जब भी पंचायत का होता है तो कोरम का चिट्ठी होता है, गणपूर्ति का चिट्ठी जाता है, या फिर आपका प्रोसीडिंग जो ग्राम सभा का प्रोसीडिंग हो एनक्लोज होता है। तो इसमें उदय भाई ने बुरा नहीं मानना है और राम प्रकाश ने भी बुरा नहीं मानना है, लेकिन आप दोनों को कानून का थोड़ा सा मैं बारीकी बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने बताया था, राम प्रकाश जी ने एक लीगल नोटिस दे चुका हूँ। क्या होता है कि आदमी जब भी उसके राइट्स इंफ्रिंज हो जाते हैं तो एक लीगल नोटिस इश्यू करता है, लीगल नोटिस को आते आते अपने टाइम में आते 2-3 महीना लग जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम सेटल नहीं होता, तो हम सिविल सूट कर देते हैं। सिविल सूट मान के चलते हैं कि राम प्रकाश जी ने कर दिया, एक एग्जाम्पल है आप लोग को दे रहा हूँ, राम प्रकाश ने सिविल सूट, नेक्स्ट स्टेप सूट करते करते 3 महीना लग जाएगा, 4 महीना लग जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जैसे सिविल सूट कर दिया, आपको उदय जी को जो ना उसका रिप्लाई करना है, उसको रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं, उदय जी ने रिप्लाई करना है, 3 महीना लग जाते हैं। रिप्लाई करते ही जो ना हमारे फिर एक राम प्रकाश जी का एक राइट्स और आ जाता है, क्योंकि उदय जी के उसमें हो सकता है कुछ ज्यादा बात लिखा हो, कम बात लिखा होगा। राम प्रकाश जी उस पर क्या करते हैं, रेप्लीकेशन बोलते हैं उसको, रिजोइंडर बोलते हैं उसके ऊपर, वो कहते हैं 2-3 महीना यहाँ लग जाएंगे। रिजोइंडर के बाद फिर लगता है कि हमारे उदय जी को, ओहो राम प्रकाश जी ने भी कुछ गड़बड़ कर दिया, अब फिर हमारे राम प्रकाश जी को एक राइट और आ जाता है, ये जो ना सर ज्वाइंडर फाइल कर देती है उसके ऊपर, इसमें भी आगे 5-6 महीना लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके बाद हमारे कोर्ट जो जिस कोर्ट में भी केस लगा है वो इश्यू फ्रेम करेंगे। इश्यू फ्रेम करने के बाद क्या होगा, देखिए आप जो ना जो पेटिशनर होता है, सपोज राम प्रकाश हमारे पेटिशनर इस केस में कि भाई मेरे को निकाला जा रहा है, मेरे से राम प्रकाश जी अपने विटनेसेस को कोर्ट में लाएंगे, उनके लिए किराया भाड़ा देंगे, सब कुछ खड़ा कर देंगे, उसके लिए लग गया आपको 6 महीना साल। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे जो ना उदय जी मान लो ये डिफेंड करेंगे अपने केस को, सपोज एक आइडिया मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर ये अपने डिफेंस में एविडेंस ले जाएंगे, कागज पत्र गवाह ले जाएंगे, करते करते हमारा कितना 3-4 साल लगता है, आप सोचिए 3 साल 4 साल में कितना हमारा एनर्जी वेस्ट हो गया, नंबर एक बात। नंबर दो बात, कितना आपका रेपुटेशन को ठेस लगा, लोग देखेंगे कोर्ट में खड़ा है बंदा, अच्छा भला खासा बंदे को बोलेंगे अरे डेली कोर्ट में होता है, पता नहीं इसका क्या मांझ रहा है। वो मैं खुद फेस कर चुका हूँ, मेरे ऊपर एक केस लगा था तो मैं 2-3 बार कोर्ट में गया हूँ, तो मुझे इतना शर्म आया कि मेरे यार दोस्त मिल रहे थे तो मैं उनसे ना हाथ गले तक नहीं मिल पाया, क्यों उनकी नजर में क्या पता सर, मैं उनको लगा क्रिमिनल है, तो मेरा एक जो काइंडली केस था तो 3-4 साल में भी तो अभी निपट के आया। आपको बताइए, आपने अनुभव किया है ना, तो किस दृष्टि से जी लोग देखे, हमें कोर्ट कचहरी से बचना है। क्या होता है ना, मिलना लास्ट में वही है जो अभी मिलना है, तो अभी जी सिंपल बात यह है कि ठीक है एक बात ठीक है कि प्रधान और राम प्रकाश जी का कहना है कि भी प्रधान का चिट्ठी है, तो आप क्या बोलते हैं हमारे उदय जी, आप एक ग्राम सभा का एक प्रोसीडिंग दिलवाओ, उसमें जो ना लेटर को कोरम के चिट्ठी में उसके फॉरवर्डिंग लेटर के साथ जो ना आप निकालो, उसकी कॉपी हो सके तो भाई राम प्रकाश जी को भी दे दो। और राम प्रकाश जी से मेरा ये अनुरोध है कि आप काइंडली 6-7 साल काम किए, आप प्रधान भी रह चुके, आप इतने रेपुटेड आदमी है, हो सके तो थोड़ा सा हमारे को अपने स्वाभिमान को थोड़ा सा तोड़ करके समाज के लिए थोड़ा हमें आगे आना पड़ेगा। आप दोनों भाइयों से निवेदन है, हमारे पास केवल अभी मेस के झगड़े के लिए टाइम नहीं है, आप और हमारे पास, आप अपने सोसाइटी से बाहर आओ, अपने गांव से बाहर आके देखो,
अपने आसपास में ऐसे नीडी आदमी अभी भी हम राम भगत जी को पता है, मैं दावे के साथ बताता हूँ, आप आओ तो सही, मिलो तो सही, आप देखो खून के आंसू आएंगे आप आंसू से। एक चीज बताना चाहूंगा सर, अगर मैं लालची आदमी होता सर, अगर मैं लालची आदमी होता, मैं पंचायत से ये कहता कि भी 2 साल की जगह जितना साल अगर राम प्रकाश ने चलाया 7 साल, तो सबको 7 साल दो। मैंने ये चीज नहीं बोला सर, मैंने यही चीज बोला, मैंने ग्राम सभा से ये नहीं बोला कि ये मैस मेरे को दो, ठीक है, मैंने कहा कि भाई सबको मौका दो, 2-2 साल का मौका दो, जितने भी एमपी पीए वाले बंदे, देखो सर एक मैस में कम से कम बोल के भी अगर 70 आदमी हुए तो 2,10,000 रुपए का बिल बनता है महीने का, ठीक है ना, ये अगर उसको अगर 75% भी निकाल दिया जाए तो किसी का बहुत पैसा बन जाता है सर। तो राम प्रकाश जी ने तो 7 साल वो कमा लिया, ठीक है ना सर। अब मैं चाहता हूं कि भी मैं हर एक उसको क्या बोलते हैं एमपीएफ के जो 28 लड़के हैं उनको बारी बारी से 2-2 साल का दे दिया जाए। उदय सिंह जी, तभी तो मैंने आपको कहा था ना कि आप क्या 2 साल में अपनी लायबिलिटी पूरा करेंगे, तो ये कह रहा था मैं, आप 2 ही साल ले रहे हो, तो चलो हम आए समझ गए थे आप ना, आप नहीं कर रहे लालच, हमें अच्छी तरह से समझ गए हैं, और उनको भी अपने मान मर्यादा को समझना है। आपको अधिवक्ता ने कुछ कहा था पहले कि वो क्या बोलते पंचायत में जाके कुछ करने को कहा था, क्या कहा था आपको याद है? ग्राम सभा का प्रोसीडिंग और उसको घनपूर्ति में और एक फॉरवर्डिंग लेटर के साथ उसको निकालो, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पावर है इसमें इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि जब भी हमारा कंपनी खुलता है एचपीसीएल के थ्रू जो टेंडर हुआ है पटेल कंपनी को, उसमें एक थर्ड पार्टी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो लाइव है, जो काम करता है, जो जायज नाजायज देखा जाता है देखता है, तो ग्राम सभा भी करता है काम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है, आप उनका मदद ले सकते हैं, आप हेल्प करेंगे, लेकिन आप भी अपना प्रॉपर कागज बनाइए। मैं नहीं बोल रहा कि आपका इम्प्रॉपर है, मैं आपके कागज पर कोई क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक सिंगल प्रधान का जब चिट्ठी जाता है तो प्रधान मेरा भाई भी हो सकता है, वो मेरे लिए रिकमेंडेशन कर सकता है, बट जब हम ग्राम सभा का प्रोसीडिंग लगाते हैं और उसके ऊपर जब कोरम का जब चिट्ठी लगाते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, जैसे आपने बोला ना सर इंडिविजुअल प्रधान भाई भी हो सकता है, जो मेरा सेकंड कंपटीटर था ना सर, वो जो है प्रेम कला जी वार्ड नंबर 2 की मेंबर है, जिसने सेकंड आवेदन किया था वो खुद भी वहां पे मौजूद थी, पूरा पंचायत वहां मौजूद था। नहीं राइट है, हम आपके काम में करी नहीं कर रहे, अब जैसे लेटर पैड पे लिख के दिया, अब मुझे तो ये नहीं पता कि ग्राम पंचायत में क्या होता है। ग्राम पंचायत का प्रोसीडिंग जो है आपने जो है वो लेटर के साथ डलवा देना है आपने, आपको एक बार और अच्छी तरह से समझो, आप समझ गया सर, मैं समझ गया, इसी को दोबारा जो है क्या बोलते हैं ग्राम सभा में दोबारा मतलब प्रोसीडिंग करके मतलब उस पे ये ग्राम सभा से अप्रूव करके निकालना है इस चिट्ठी को, आप यही कहना चाहते हैं? उसकी एक कॉपी रामकृष्ण को भी देना है, राम प्रकाश को भी देना है, ठीक है जी? आपके दो तीन लोग आपके उदय की तरफ से, दो तीन राम प्रकाश जी के गांव में बैठो, कहीं होटल में बैठो, दो भाई गले मिल के बात करो, सॉल्व हो जाएगा। कोर्ट कचहरी जाने में ज्यादा दिक्कत होगी, 5-6 साल तब तक मैच निकल जाएगा और कंपनी देखिए, मैं एक चीज और बताता हूँ, कंपनी की बात बताता हूँ, एक चीज और बताओ, जब मैंने सारी चीजों को निष्कर्ष निकाला सर, मैंने ग्राम पंचायत के प्रधान से भी बात किया और कंपनी वालों से बात किया, अब दोनों सर राजनीति के शिकार हो गए, कांग्रेस और बीजेपी के, ठीक है सर? नहीं सर, दोनों तो बीजेपी के सर, पहले नहीं ऐसा हुआ है, फिर क्या हुआ है सर, कंपनी परेशान हो गई दोनों के उससे, तो उन्होंने एक निर्णय निकाला कि बड़ी मैस को बंद कर दिया जाएगा, दोनों को एक एक मैस दो छोटी दिया जाएगा, ये अब निर्णय निकाला है, मैं तो बड़ी मैस कंपनी चलाएगी और जो है मैं एक मिनट सर मैं आपको रोकता हूँ, सॉरी सर, मैं कंपनी से यही पूछना चाहता हूँ ना सर कि भी 7 साल चलाने के बाद भी राम प्रकाश को मैस क्यों और मेरे को छोटा मैस क्यों? नहीं नहीं अब दोनों को छोटा मैच दे रही है। अरे बात सुनो ना सर, राम प्रकाश ने चलाया बड़ा मैच 7 साल, कंपनी 7 साल बाद भी उसको मैच क्यों दे रहा है? क्या वो पटेल इंजीनियरिंग का क्या मोसेरा भाई है क्या? मेरा कहने का मतलब है कि भी अगर ठीक है, अगर उसने 7 साल चलाया, 2 साल बाद मैं छोड़ूंगा तो मैं उस कंपनी में थोड़ी रहूंगा, मैं तो बाहर का रास्ता जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि ये बड़ा मैच मिल सकता है, दोनों अगर सुलझेंगे तो दोनों को बड़ा मैच मिल सकता है, लेकिन कंपनी के
एक जो अधिकारी थे संजय सिंह, उसने तो फोन उठाया नहीं, मैंने लगातार फोन किया। उसके बाद मैंने उनके ऑफिस में बिमल जी से बात किया, बिमल ने बताया कि ये जो पचड़ा है राजनीति का शिकार हो चुका है, और इस वजह से अब दोनों को छोटे महज देने की बात चल रही है और बड़े महज बंद करने की कुछ ऐसी बात चल रही है। अगर आपसी तालमेल आप दोनों बनाएंगे तो शायद बड़ा महज मिल जाए, तो इसीलिए जाते जाते और एक कुछ आप चीज कहना और चाहेंगे? पूछना जी सर, ये वकील साहब से एक चीज और पूछना चाहता था सर, रमेश जी से। सर पूछिए। मैं इस चीज को ना सर, मतलब कि भी मैंने तो चाहा कि भी चलो जनहित के लिए सबको मिलता रहे, मैंने ये कोशिश किया, मैंने मतलब अपनी ओर से पूरा कोशिश किया। अगर राम प्रकाश जी ना छोड़ना चाहे ना सर, मैं आपकी प्रेस से ना सर यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं इस केस को स्टेट सीबीआई जो है ना सर, इसकी जांच करे कि भी है क्या पचड़ा, कारण क्या है, नीचे से ऊपर तक जाए, ताकि इसमें ये भी पता लगे कि भाई राम प्रकाश जी सच में भी जनहितकारी है, जन जनहित के लिए काम करने वाले थे क्या, इन्होंने क्या भी अपने पोस्ट का फायदा उठा करके इसमें इसको लिया या नहीं लिया। स्टेट सीबीआई से मैं यही मांग करूंगा सर कि भी इसको नीचे से ऊपर तक पूरा छानबीन करे, और पंचायत से भी जाके पूछे कि भी आपने किस तरह लगाया, क्यों लगाया, पटेल ने क्यों सौंपा आपको। मैं यही आखिरी बार यही कहना चाहता हूँ सर, स्टेट सीबीआई इसमें इन्वॉल्व हो, स्टेट सीबीआई वाले इसमें इन्वॉल्व हो, और जो है इसकी ना नीचे से ऊपर तक छानबीन करे, बस पानी का पानी हो जाएगा सर, जो भी फैसला होगा मेरे को मान्य होगा। महोदय सर, आप इस पर कोई राय देना चाहेंगे? अब देखो जी, बहुत हो गया, सॉरी, क्षमा करना। क्योंकि स्टेट का सीबीआई नहीं होता है, सीबीआई सेंटर का होता है। स्टेट में एक पुलिस या डिपार्टमेंट सीबीआई होता है, एक सीआईडी वाले सीआईडी सर, स्टेट होता है, सीआईडी वाले सर, सीबीआई सॉरी एक सर, एस आई मेरे टी मुंह होता है, से स्पेशल गलती हुआ, इन्वेस्टिगेशन टीम। कोई बात नहीं। सीआईडी वाले सर, देखो, स्टेट सीआईडी वाले से मेरा रिक्वेस्ट है सर। यस एवरी पर्सन हैव राइट टू सर, यस सर, क्या बोल सबमिट दियर कंप्लेंट बिफोर एनी अथॉरिटी। वो तो अपनी मर्जी होती है, मैं हम इसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन राम जी, आपके लिए बताना चाहते हैं, आप इस पेज के द्वारा जो हमने पिछले बहुत सारे लोग का ग्रीवेंस लेके आए थे, हम पेज पर, याद होगा आपको, दो तीन एक लेडीज थी, आपको बताया होगा हमने, कि जिसका वो बेटी का चक्कर था, जब से वो उन्होंने आपके पेज पर हमने रखा था, उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। एक और था जी भाई, जो अरुण जी है, अरुण का भी बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व होने जी वाला जी है, जब से आपके पेज में उन्होंने इंटरव्यू दिया था। और एक अशोक जी है, जी अशोक जी का भी कॉपी बिल्कुल 50% से 70% काम हो चुका है। तो राम भगत जी, हम धन्यवाद करते, और भाई दो उदय और राम प्रकाश जी से भी हम निवेदन करते, आप दोनों राम भगत जी का मदद करें। इन्होंने जो अपना ये सोशल मीडिया चलाया, इसी जी एवज सर में चलाया है कि ये राम भगत जी कहीं ना कहीं समाज के लिए काम कर सके। अगर इस तरह से हम भाई लोग इस मीडिया के थ्रू या मीडिया के पीछे में अगर हम लोग सेटल करते हैं, पैचअप करते हैं एक दूसरे की समस्याओं को, तो बहुत अच्छा, अभी समाज जी में काम करने के लिए बहुत है। अभी ये छोटे मोटे बिल्कुल, चीजें, ये तो ये छोटी हमारा बातें, किन्नौर का ही पेज है, हमारा अपना किन्नौर का बहुत अच्छा पेज है, पेज हम चाहते हैं कि किन्नौर के छोटे छोटे मतभेदों को हमारा जो वीरवार का उठा एपिसोड है करके। गांव शहर और राजनीति इसी में लेकर आते हैं और इसमें सुलझे, और हमारे आदरणीय आज के जो राम प्रकाश जी लेफ्ट हुए तो उनके सिग्नल की दिक्कत है, वो एपिसोड को पूरा देखेंगे, वो समझ भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उनके अंदर में थोड़ी सी जागृति आ चुकी है, फिर भी वो समझेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत आभार सर। अतिथि महोदय, आप भी जो है इस पेज का एक अहम हिस्सा हो, खासकर जो है आप जिस प्रकार से काम करते हो, आपका बहुत बहुत आभार, और हम कोशिश करेंगे कि आप दोनों इस चीज को अपने स्तर पर एक बेहतर सुलझाने की कोशिश करेंगे, और आप दोनों को फिर कभी एक पटल में एक साथ किसी मुद्दों को लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार। शुभ रात्रि जी। गांव शहर और राजनीति एपिसोड में हमारे साथ जुड़े थे आज के जो अतिथि, हमारे उदय सिंह नेगी जी और राम प्रकाश जी। और किन्नौर के अपने प्रोजेक्ट आती है, संभावनाएं रहती है कि अपना अधिकार, अपना जो हित को हम जो अपना काम है लेते रहे, ये सबकी अपेक्षा भी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीति से जुड़े रहते हैं उनकी इच्छाएं और ज्यादा रहती है। तो कोशिश तो ये करें कि सभी को किन्नौर के अंदर में छोटे मोटे रोजगार मिलते रहे, चाहे वो किसी प्रकार का रोजगार हो। तो आपसी मतभेद को दूर करते हुए कोशिश यही रखें कि राम प्रकाश भी अपनी बातों को समझे और उदय सिंह भी अपनी बातों को समझे और दोनों ही को रोजगार मिले। तो मिलते हैं हम अगले साप्ताहिक बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।